हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था डाइकोटिलेडनस सिस्टम के बारे में। डाइकोटिलेडनस सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, कैसा वैस्कुलर बंडल होता है, कैसा पिथ होता है, कैसा पेरिसाइकिल होता है, ये सब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं मोनोकोटिलेडनस सिस्टम के बारे में। ये अपने आप में उतना वास्ट टॉपिक नहीं है जितना पिछली हम लोग डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट सिस्टम पढ़ते हुए आए हैं। इसमें कुछ ही स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जैसे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और इस एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बाद नीचे ग्राउंड टिश्यू पड़ा होता है और उसी ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं? स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। कोई आप को ये सभी जितने देख रहे हो ये सब वैस्कुलर बंडल्स ही हैं, ठीक है। ये पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल है और ये सेंट्रली लोकेटेड वैस्कुलर बंडल है। कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको इनमें? सेंट्रली लोकेटेड वैस्कुलर बंडल जो है वो पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल से साइज में बड़े होते हैं। अब इसके बाद और बात करें तो भैया देखिए, हाइपो एपिडर्मिस के नीचे जो ये सेल ये लेयर है हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? इसमें देखिए ऐसे लिखिए गए, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक ठीक। एपिडर्मिस कैसी है? आउटर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस की बात करें, तो हाइपोडर्मिस भैया कैसी होती है? इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, सेकेंड लेयर है जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। कौन सी लेयर प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। कैसी होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस, TOUS, ठीक, स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक, MATOUS, ठीक है। हाइपोडर्मिस कंप्लीट हो गया। अब हाइपोडर्मिस के बाद जितना भी आप पोर्शन ये बीच का ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये सभी कैसा है? क्या है? ग्राउंड टिश्यू है। क्या है? ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू के बारे में जब लिखेंगे तो ग्राउंड टिश्यू क्या है? ग्राउंड टिश्यू देखिए पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक, पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। इसके अलावा कॉन्सपिकस है। कॉन्सपिकस का मतलब आपको बता चुके हैं, मतलब वेल डेवलप्ड है, स्पष्ट है, देखने में दूर से समझ में आ रहा है। ये देखिए सब दिखाई पड़ रहे हैं ग्राउंड टिश्यू, ठीक। अब ग्राउंड टिश्यू के बाद लास्ट बात आती है किसकी? वैस्कुलर बंडल की। अब जिस दिन हमने वैस्कुलर बंडल के टाइप्स बताए थे उस दिन बताया था कि मोनोकॉट में किस तरह के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? क्लोज्ड टाइप के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, मतलब उनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ आपके टॉप सिलेबस से हटा दी गई तो उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है जैसे हम लोग हाइट में बढ़ जाता है पौधा, जब उसके बाद वो एनुअली मतलब उसमें बढ़ने लगता है गर्थ में, तो गर्थ में जो इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और जो हाइट में इंक्रीज होता है इंक्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ग्रोथ, ठीक। तो वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, कोलेटरल होते हैं और कॉन्जॉइंट होते हैं, ठीक। क्लोज्ड, कोलेटरल और कॉन्जॉइंट, क्लोज, कोलेटरल और कॉन्जॉइंट। और एक बात देखिए, पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर मच स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वैस्कुलर बंडल्स, ये बात आप लिख लेंगे वैस्कुलर बंडल्स में ही। इसके बाद इसमें भैया फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट होती है। क्या होती है? फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट होती है। अच्छा, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये देख रहे हैं ये भैया स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? स्क्लेरेनकाइमेटस शीत, स्क्लेरेनकाइमेटस शीत इज प्रेजेंट अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स, ठीक। और इसके बाद क्या, एक बात बताइए आपको हमने,
हाइपोडर्मिस इसकी स्क्लेरेन्काइमेटिस होती है। इसके बाद ग्राउंड टिश्यू में आपको पैरेन्काइमा देखने को मिलती है। वैस्कुलर बंडल में बाहर की तरफ क्या होती है, स्क्लेरेन्काइमेटिस शीथ प्रेजेंट होती है। और ये वैस्कुलर बंडल में ये जो आप देख रहे हैं ये वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे देखिए 1, 2, 3 और 4, ये देखिए इसको जोड़ने पे कैसा वाई शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, सभी वैस्कुलर बंडल में इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर ये बनता है इसको बोलते हैं वाटर कैविटीज। ये मोनोकॉट्स के वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? वाटर कैविटीज। ठीक, तो बस इतनी सी बात थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी मोनोकॉटिलेडनस सिस्टम के बारे में। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। मोनोकॉट्स होते कौन से? ग्रास हो गया, ग्रासेस जितने भी हैं ये सभी मोनोकॉट्स हैं। इसके अलावा जितना जैसे जितने भी आपके अनाज वाले जैसे मक्का तो नहीं, हाँ मक्का हो गया, मेज़, और इसके अलावा गेहूँ, चावल, ओराइजा सेटावा, ट्रिटिकम एस्टिगल्स, तो ये सब जितने भी हैं ये आपके मोनोकॉटिलेडनस हैं। इनका सबका स्ट्रक्चर तोड़ने पर कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से कोई आपको वैल्यू मिल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूर तक और लाइक करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे।